हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट और वेट के रिगार्डिंग, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हाल ही में एंड्स नॉरसेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि जो LBW का जो बेबी है उसका वेट कितना होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, जो रिपीट होते हैं, यहाँ पर जो आपको याद रखना है। नंबर वन क्वेश्चन मैं बात करूँ आपसे, व्हाट इज द एवरेज जो बर्थ वेट है वो कितना होता है। पहला क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, एवरेज बर्थ वेट ऑफ द न्यू बॉर्न जो होता है लगभग 2.5 से 3.5 kg। अगर मैं बात करूँ जो इंडियन जो बेबी है, इंडियन जो बेबी है उसका एवरेज जो बर्थ वेट है वो होता है लगभग 2.8 kg। आपको स्क्रीन पे दो इमेज शो हो रही है, इमेज ए एंड इमेज बी। एनीवंस, मैं बात करूँ सिंपल सा, जो इमेज ए है दिस इज द टाइप्स ऑफ द वेइंग मशीन, इसको इंडिकेट करेगा ये वेइंग मशीन को। और जो बी इमेज है ये स्पेशली है ना, जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनके द्वारा यूज में ली जाती है, आशा वर्कर के द्वारा, ANM के द्वारा, बेबी के वेट को मीजर करने के लिए जो स्केल यूज में लेते हैं उस स्केल को बोलते हैं शाल्टर स्केल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शाल्टर स्केल के द्वारा क्या मीजर किया जाएगा बेबी के वेट। ठीक है, तो एवरेज वेट पूछे ढाई से 3.5, और एवरेज बर्थ वेट पूछे इंडियन बेबी का वो होता है 2.8 kg। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बेबी का जो डबल वेट है वो यूजुअली कब देखने को मिलता है, वो आपको याद रखना है, 5 to 6 months में बेबी का वेट डबल हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे ट्रिपल वेट कब देखने को मिलेगा, 1 year। 4 times वेट जो यूजुअली देखने को मिलेगा, 2 years। 5 times जो वेट यहाँ पर देखने को मिलता है, 3 years। जबकि 6 times जो वेट होता है वो यूजुअली देखने को मिलता है, 5 years। 7 times जो वेट रहेगा, 7 years। और जो 10 times वेट है वो देखने को मिलता है, 10 years। ये सारे क्वेश्चन स्पेशली आपको ये सारे याद रखने हैं, डबल वेट, ट्रिपल वेट, 4 times वेट। ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स 2020 का क्वेश्चन है कि बेबी का वजन 4 गुना कौन सी एज में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर है 2 साल में। ठीक है, जैसे सपोज करो हम समझते हैं इसको एग्जांपल के तौर पर, बेबी का एवरेज जो बर्थ वेट था 2.5 kg 8 बर्थ। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यह है, तो बताओ 1 साल में बेबी का वेट क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, बिकॉज आपको पता है कि 1 साल में बेबी का वेट 3 गुना हो जाता है, तो आपको जो बर्थ वेट है उसका 3 गुना करना है, तो लगभग ये हो जाएगा 7.5 kg 1 year में। तो आपको है ना वेट देकर क्वेश्चन पूछे पर्टिकुलर इयर्स का, तब भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वंस, यहाँ पर 2 चीजें याद रखना है, एक तो एवरेज इंडियन बेबी का जो बर्थ वेट है पहले 2.9 था, अब जो रिड्यूस हो गया है 2.8 kg, इसका राइट आंसर माना जाएगा। एक ये डबल, ट्रिपल, 4 times, सारे याद रखना है जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, आफ्टर बर्थ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में बेबी का बर्थ वेट के रिगार्डिंग क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। याद रखना है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, इस दौरान यदि बेबी टर्म हो और यदि बेबी कौन सा हो, प्री टर्म बेबी। याद रखना है दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक तो बेबी टर्म बेबी हो और दूसरा कौन सा है, प्री टर्म बेबी। तो टर्म बेबी के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ऑलवेज ऑलवेज
10% वेट लॉस देखने को मिलता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में। कितना वेट लॉस देखने को मिलेगा? 10%। यदि प्री टर्म बेबी है इस दौरान जो वेट लॉस देखने को मिलेगा 15% वेट लॉस देखने को मिलेगा फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो वेट लॉस हुआ है उसको रीगेन वेट कब करेगा? ठीक है, 10% वेट लॉस है, टर्म बेबी है, इसको रीगेन कर लेता है वापस 10th डे ऑफ लाइफ। कब रीगेन करेगा? 10th डे ऑफ लाइफ। जबकि प्री टर्म बेबी है उसमें ये रीगेन करता है 15 डेज ऑफ लाइफ, 15 दिन में वापस वेट को ये क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। अब जो आपको याद रखना है, लॉस ऑफ बॉडी वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ याद रखना है, टर्म में कितना? 10%, और प्री टर्म में कितना होता है? ये 15%। अब ये जो वेट लॉस हो रहा है, ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से वेट लॉस होगा आफ्टर बर्थ? नंबर वन वजह है, आफ्टर बर्थ क्या होता है? फ्लूड लॉस होता है। बेबी के द्वारा जो किडनी है वो इमेच्योर होती है, उसकी वजह से है ना फ्लूड लॉस होगा। तो फ्लूड लॉस होने की वजह से भी क्या होगा? वेट लॉस होगा। सेकंड थिंग्स जो आपको याद रखना है, जन्म के एक हफ्ते में जो वेट लॉस होगा ड्यू टू मेकोनियम एक्सक्रीशन। जो मेकोनियम है इसका मीन्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न। क्या रहेगा इसका मीन्स? फर्स्ट स्टूल ऑफ द न्यूबॉर्न। एक तो हो गया फ्लूड लॉस की वजह से वेट लॉस होगा, इमेच्योर किडनी होती है, फ्लूड रिटेंशन नहीं होगा। और तीसरा जो वजह है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर अडेप्टेशन नहीं कर पाता है, उसकी वजह से भी क्या होगा? वेट लॉस होगा। तो यहाँ पर दो तीन चीजें जो आपको याद रखना है बार बार। नंबर वन, टर्म बेबी में कितना वेट लॉस होगा? 10%। याद रखना है T4 बेबी कौन सा हो, टर्म हो, T4 10% वेट लॉस होता हो, और इसको रीगेन कब करेगा? वापस 10th डे ऑफ लाइफ। सारे टी से हैं याद रखना है टर्म बेबी में। प्री टर्म बेबी में 15% वेट लॉस होगा और इसको रीगेन करेगा ये 15 डेज ऑफ लाइफ। अगला जो आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में जो वेट गेन करता है बेबी वो किस रेट से करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट 6 मंथ्स में जो बेबी वेट गेन करेगा वो किस रेट से करेगा? 30 ग्राम पर डे। जबकि अगले 6 महीने में, मीन्स मैं बात करूँ 6 to 10 मंथ्स आफ्टर बर्थ, इस दौरान जो बेबी वेट गेन करेगा वो किस रेट से करेगा? 15 ग्राम पर डे। 15 ग्राम पर डे ये याद रखना है, स्टार्टिंग के 6 महीने में 30 ग्राम और लास्ट के 6 महीने में 15 ग्राम पर डे। नेक्स्ट वन ये भी याद रखना है, जो वेट है असेस करना हमारे को 1 मंथ टू 1 ईयर की एज में एवरी मंथ, 1 से 2 साल के बिटवीन हमें वेट असेस करना एवरी 2 मंथ्स, और 2 से 3 साल के बिटवीन हमें वेट असेस करना है एवरी 3 मंथ्स। एनी वंस, ये आपने ये नाम सुना हुआ है HBNC, इसमें भी है ना हाइट और वेट मेजर करती है बाय द आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, आशा वर्कर हो गए, याद रखना है ये जो विजिट है आशा वर्कर्स, एनम है, ठीक है। HBNC का मीन्स क्या समझ रहे हो? यहाँ पर होम बेस्ड नियोनेटल केयर, होम बेस्ड नियोनेटल केयर, जिसमें ना हाइट वेट स्किन का कलर, ठीक है, कोई सिक्रेशन ये नहीं है, ये सारी केयर प्रोवाइड की जाती है आशा वर्कर और एनएम के द्वारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं HBNC की टोटल विजिट कितनी होती है, टोटल विजिट इन केस ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में
पीएनसी या होम बेस्ड नियोनेटल केयर में टोटल जो विजिट होती है वो आपको याद रखना है। टोटल विजिट कितनी रहेगी यहाँ पर? 7 विजिट। ये 7 विजिट कब कब देखने को मिलेगी? फर्स्ट डे, इसके अलावा थर्ड डे, इसके अलावा फिफ्थ डे, इसके अलावा सेवंथ डे, इसके अलावा ये भी याद रखना 14 डे, इसके अलावा 21 डे, 28 डे, और लास्ट वन है 42 डेज। ठीक है, कितने हो गए ये जो आपको याद रखना है? फर्स्ट थ्री, सॉरी फाइव नहीं है, 7, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज एंड 42 डेज पे है ना पीएनसी की विजिट या होम बेस्ड नियोनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ डिलीवरी कौन सी हुई हो? नॉन वेजाइनल डिलीवरी है ना, नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी हुई है उस केस के अंदर। नेक्स्ट वंस जो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछते हैं सेकंड वंस जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्केल कौन सा है, साल्टर स्केल, इसके द्वारा भी वेट मेजर करेंगे, डबल ट्रिपल कब होंगे कब नहीं होंगे, कितना लॉस होता है कब रिगेन होता है, और एचबीएनसी क्या होता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हाइट और लेंथ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 बर्थ जो लेंथ मेजर करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? 8 बर्थ जो है ना, मैं बात करूँ न्यू बॉर्न बेबी है उसमें जो लेंथ मेजर करेंगे या तो इन्फेंटोमीटर के द्वारा या फिर सिंपल टैप मेजरिंग डिवाइस के द्वारा। आपको स्क्रीन पे दो इमेज शो हो रही है, एनी वन, जो ए इमेज है दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका कौन सा स्पॉटर है ये? इन्फेंटोमीटर। और जो बी इमेज है जिसमें बेबी को स्टैंडिंग पोजीशन में हाइट मेजर कर रहे हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी रहेगी यहाँ पर? स्टेडियोमीटर। कौन सी रहेगी? स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट वन, लेंथ मेजर करने के दौरान जो बेबी है उसको पोजीशन कौन सी देते हैं? सुपाइन पोजीशन विथ एक्सटेंडेड लेग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सुपाइन पोजीशन विथ एक्सटेंड लेग्स है ना, बेबी को इस पे है ना सुपाइन पोजीशन में रखेंगे और इसमें ये नॉर्मली इसमें है ना मेजरमेंट होता है उसके द्वारा हम लेंथ मेजर करेंगे। नेक्स्ट वन, एवरेज लेंथ ऑफ द न्यू बॉर्न 8 बर्थ। 8 बर्थ जो नॉर्मली जो लेंथ होती है 45 से 50 सेंटीमीटर, और इंच में पूछे तो लगभग 18 to 21 इंच। ये एम्स भुवनेश्वर का क्वेश्चन है, BBSR का, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वंस ये भी आपको याद रखना है, 3 मंथ्स में बेबी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है? 60 सेंटीमीटर। 9 मंथ्स में जो बेबी की लेंथ होती है वो होती है 70 सेंटीमीटर। 1 ईयर में जो बेबी की लेंथ होती है वो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 75। जबकि 2 ईयर्स में बेबी की लेंथ हो जाती है 90 सेंटीमीटर। ये भी आया हुआ है, दिस वंस ये आया हुआ है सफदरजंग का क्वेश्चन है, DGHS जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। 4 साल में बेबी की जो हाइट है वो हो जाती है 100 सेंटीमीटर, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल हाइट जो देखने को मिलेगी वो कब देखने को मिलेगी? 4 ईयर्स। जबकि ट्रिपल हाइट, जबकि आपसे पूछे ट्रिपल हाइट जो यूजुअली हो जाती है 150 सेंटीमीटर, ट्रिपल हाइट वो कब देखने को मिलती है? 13 ईयर्स। तो यहाँ पर ये एटलीस्ट ये 4 क्वेश्चन तो याद रखना ही रखना है, 8 बर्थ जो एवरेज बेबी की जो लेंथ है वो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है यहाँ पर, बेबी की लेंथ 1.5 गुना कब हो जाती है जो यूजुअली 75 सेंटीमीटर होती है, और 75 जो यूजुअली देखने को मिलेगी फर्स्ट ईयर में। तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं आपसे, डबल जो हाइट है वो यूजुअली कब देखने को मिलेगी? 4 साल में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ट्रिपल हाइट जो यूजुअली देखने को मिलती है 13 ईयर्स।
नेक्स्ट वंस, अगर आपको ये लेंथ के रिगार्डिंग ये डेटा आपको याद ना रहता हो तो देन इसके लिए ना हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 6x+77 cm। यहाँ पर एक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा ईयर्स। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक 4 साल का बेबी है, 4 साल के बेबी की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स 6x, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स, ईयर्स यहाँ पर कितने हैं 4, तो 6 × 4 + 77 कितने हो गए, ये 24 + 77 और ये टोटल हो जाएगी 101 cm। और आपको पता है 4 साल में बेबी की हाइट कितनी होती है, 100। तो इससे हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट। और हाइट है ना, हम 2 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वंस, ये लाइन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम हाइट कब इंक्रीज होती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हाइट कब बढ़ती है फर्स्ट ईयर, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जो हाइट बढ़ती है वो किस रेट से बढ़ती है, 50%। किस रेट से बढ़ती है, 50%, एंड फॉलोड बाय प्यूबर्टी। पहले तो 50%। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एवरेज गेन ऑफ लेंथ इन फर्स्ट ईयर, 1 साल में एवरेज लेंथ कितनी गेन करेगा, बिकॉज आपको पता है 8 बर्थ बेबी की लेंथ ऑलरेडी होती है 50 cm और 1 साल में बेबी की हाइट हो जाती है 75। इस दौरान कितनी हाइट उसकी बढ़ी, कितनी बढ़ी उसकी हाइट, 25 cm। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि एवरेज गेन ऑफ लेंथ इन फर्स्ट ईयर आंसर इज 25 cm, जबकि आपसे पूछे कि टोटल लेंथ कितनी हो जाती है 1 ईयर में, तो आंसर रहेगा 75 cm। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है एम्स, ठीक है, जो DGHS है ना, जो एग्जाम हुआ था उसमें उसमें आया था क्वेश्चन ये है, इंक्रीज इन हाइट इन फर्स्ट ईयर पर। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है 8 बर्थ जो हाइट होती है 50 और फर्स्ट ईयर तक ये हो जाती है 75। बताओ ये 50 में 75, दैट मीन्स कितनी बड़ी है यहाँ पर, 25। अब बताओ 50 का 25 कितना परसेंटेज है, किस रेट से बढ़ रही है, ये 50% रेट से बेबी की हाइट बढ़ती है। अगला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ये 4 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पर, जो आपको याद रखना है, लेंथ, जो लेंथ है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, दिस वंस, और इसको हम बोलेंगे जो लेंथ है वो मेजर करते हैं इन्फेंटोमीटर। जो लेंथ है वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, इन्फेंटोमीटर, जबकि जो हाइट है वो मेजर करते हैं स्टेडियोमीटर के द्वारा। जो हाइट है वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, स्टेडियोमीटर। आपको जो स्किन थिकनेस, फोल्डनेस है ना, जो स्किन फोल्डनेस, थिकनेस, ये मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं ये वाली डिवाइस है, और इस डिवाइस को बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, हरफेंडन कैलीपर। क्या बोलते हैं इस डिवाइस को, हरफेंडन कैलीपर्स। इस डिवाइस को जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, हरफेंडन कैलीपर्स। नेक्स्ट वन, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस इज मेजर्ड बाय द, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस इज मेजर्ड बाय द, किसके द्वारा ये मेजर किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साकिर टेप के द्वारा मेजर किया जाता है। अगेंस्ट वंस, ये एम्स का क्वेश्चन है, ये जो साकिर टेप है इसके अंदर टोटल 3 कलर जोन होता है, नंबर वन ग्रीन जोन, सेकंड वन जो आपको याद रखना है येलो जोन, और तीसरा जो आपको याद रखना है दिस वन रेड जोन।
साकी टेप में टोटल कलर जोन 3, रेड येलो एंड तीसरा है ग्रीन। जो ग्रीन जोन है वो इंडिकेट करेगा नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल को, किसको इंडिकेट करेगा नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल। और ग्रीन जोन में जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है मोर देन 12.5 सेंटीमीटर। येलो जोन आर इंडिकेट द वो इंडिकेट करेगा बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन को। येलो जोन आर इंडिकेट करेगा बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है येलो जोन। ठीक है, यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखना है, येलो जोन बॉर्डर लाइन को और इसकी जो वैल्यू रहेगी येलो जोन की 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर। रेड जोन माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करेगा और इसमें जो वैल्यू रहेगी मिड आर्म पर आर्म सेंटी जो सरकमफेरेंस है वो रहेगी लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। तो अभी ये चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेंथ इन्फेंटोमीटर, हाइट स्टेडियोमीटर, स्किन फोल्ड थिकनेस, मिड हरपेंडन कैलिपर्स, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंसेस, साकी टेप। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ जो लेंथ बढ़ती है वो किस रेट से बढ़ती है। वो बढ़ती है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहना है। अगला जो क्वेश्चन है, 6 मंथ से 12 मंथ्स में जो हाइट बढ़ेगी वो किस रेट से बढ़ेगी, 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ, 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ। नेक्स्ट वन, इस हाइट, यहाँ से वन मोर क्वेश्चन, हाइट और वेट को डिनोटेट करने के लिए जो चार्ट प्रिपेयर किया गया था उस चार्ट को बोलते हैं ग्रोथ चार्ट। सबसे पहले इनिशियली जो ग्रोथ चार्ट प्रिपेयर किया गया था 1977 में, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, बाय द, याद रखना ये, बाय द नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिक्स, नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिक्स। सेकेंड वन, इस चार्ट को मॉडिफाइड किया गया बाय द 2000, किसके द्वारा, सीडीसी, सेंट्रल डिजीज कंट्रोल के द्वारा इसको मॉडिफाइड किया गया। नेक्स्ट वन, लेटेस्ट जो ग्रोथ चार्ट हम यूज में ले रहे हैं 2006 बाय द प्रिपेयर किया गया था WHO। याद रखना है WHO ने जो ग्रोथ चार्ट प्रिपेयर किया गया था वो प्रिपेयर किया गया था बेस्ड ऑन द, याद रखना है, MGRS है ना, मल्टी मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडीज है ना, ये कंडक्ट की गई थी 6 कंट्रीज में। और जो 6 कंट्रीज है ये कौन कौन सी थी, नंबर वन जो आपको याद रखना, ब्राजील, सेकंड वन ओमान, थर्ड वन N4 है यहाँ पर नॉर्वे, जी से है यहाँ पर घाना, और U4 है यूनाइटेड स्टेट्स, और I से है इंडिया। इन्होंने ये 6 कंट्रीज पे स्टडी किया था, यहाँ से डेटा प्रिपेयर किया, उसके बाद में ये वाला चार्ट प्रिपेयर किया गया था। इस चार्ट को हम बोलते हैं ग्रोथ चार्ट। एनीवंस कोई बताएगा जो ग्रोथ चार्ट है इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ चार्ट आल्सो नोन एज द ऑन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोड टू हेल्थ कार्ड, क्या बोलते हैं उसे, रोड टू हेल्थ कार्ड इसका दूसरा नाम रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में एम्स नॉर्सेट 2022 में आया हुआ है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ना डेटा जो ग्रोथ चार्ट्स में जो यूज में लेते हैं वो कौन सा रहेगा। यहाँ पर है वेट फॉर हाइट, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, यहाँ पर बात हो रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, स्किन फोल्ड थिकनेस या वेट फॉर एज। तो करेक्ट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, वेट फॉर एज। ये हमने डिस्कस कर लिया,
आंगनवाड़ी वर्कर्स में जो रहेगा वो किसके बेस पे रहेगा, वेट फॉर एज, स्किन फोल्ड थिकनेस इज मेजर्ड बाय द, किसके द्वारा मेजर्ड की जाती है, अरफेंडन कैलिपर्स, आपको पता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, साकिर टेप। चलो ये याद रखना है, ये दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा जो ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए जो डेटा करेगा, वेट फॉर एज, यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखना है। अक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए जो डेटा चाहिए है ना, जो असेस करते हैं वो यूजुअली लेते हैं वेट फॉर हाइट। इसके लिए असेस करते हैं अक्यूट माल न्यूट्रिशन, हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है उसको हम बोलेंगे वास्टिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, और इंडिकेट करेगा ये अक्यूट माल न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है, एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है, दिस इज नॉन एज द स्टंटिंग एंड इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा ये, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। और बोथ अक्यूट और क्रॉनिक जो माल न्यूट्रिशन है इसके लिए जो इंडिकेट रहेगा वेट फॉर एज। आपको याद रखना है आंगनवाड़ी वर्कर्स है ना, ये कम्युनिटी लेवल पे होता है, यहाँ पर बहुत बच्चे आएंगे अक्यूट माल न्यूट्रिशन के भी और क्रॉनिक, तो इन दोनों के लिए सबसे जो बेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वेट फॉर एज। तो आंसर यहाँ पर जो रहेगा वेट फॉर एज। और ये भी याद रखना है कि जो WHO का जो ग्रोथ चार्ट है सबसे बेस्ट चार्ट है अंडर 5 ईयर्स ओल्डर चिल्ड्रेंस की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, आपको स्क्रीन पे जो चार्ट विजिबल हो रहा, दिस वन ग्रोथ चार्ट, इसके अंदर तीन कलर जोन है, रेड येलो और ग्रीन, सेम ग्रीन जोन नॉर्मल न्यूट्रिशन, येलो जोन माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, रेड जोन सीवियर माल न्यूट्रिशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर हम डिस्कस करेंगे हेड सरकमफेरेंस, मैक्रोसिफेलस के कोज क्या होते हैं, माइक्रोसिफेलस के कोज क्या रहेंगे, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम के साइन और सिम्टम क्या रहेंगे, नॉर्मली 8 बर्थ हेड सरकमफेरेंस कितना होता है। ऐसे ही मजेदार लेक्चर के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।